नमस्ते बच्चे, याद है मुझे हमने पहले कक्षा में क्या डिस्कस किया था? याद है हमारे पार्ट का नाम क्या था? बोलो, मीरा का एक दिन। तो उसमें कौन कौन था? माँ, याद है ना? और ये है हमारी मीरा। ओके, अम्मा कहाँ थे? रसोई में, यानी कि किचन में, और हमारी मीरा तो कमरे में था। तो आज हमारा मीरा और उसका पिता के बीच में एक वार्तालाप है, ठीक है? ये कौन है? हमारी मीरा। मीरा, शी इज कमिंग आफ्टर स्लीपिंग, ओके? तो इधर मीरा कुछ बोला है, क्या बोला होगा? हाँ, इधर तो कुछ लिखा है, हमें क्या करना है? उसमें से सेलेक्ट करके यहाँ सब फिल करना है, ठीक है? देखिए इधर क्या क्या लिखा है, देखो। हाँ बेटी, नमस्ते। हाँ मंजन किया। नमस्ते पिताजी, दान मंजन किया। तो इसमें से पहला फर्स्ट हम क्या लिखेंगे? When we are seeing anybody, what we are telling first? How we are wishing? हाँ, नमस्ते पिताजी। तो मेरा क्या कहा होगा? नमस्ते पिताजी। तो नमस्ते पिताजी कहाँ लिखना है? यहाँ, ठीक है? तो यहाँ क्या लिखना है? नमस्ते पिताजी। तो लिखो नमस्ते पिताजी। तो ये कौन है? देखो ना, ये कौन है? मीरा का पिताजी, ठीक है? वो क्या कर रहा है? अखबार पढ़ रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ओके? तो मीरा ने फर्स्ट क्या बोला? नमस्ते पिताजी, शी इज विशिंग, ओके? दैट इज गुड थिंग, राइट? आर यू विशिंग योर पेरेंट्स? हाँ, गुड। तो मीरा ने क्या बोला? नमस्ते पिताजी। तो पिताजी ने क्या बोला होगा? हाँ बेटी, नमस्ते। तो पिताजी ने क्या बोला? हाँ बेटी। तो वापस विश किया, हाँ बेटी, नमस्ते। तो पहले मीरा ने क्या कहा? नमस्ते पिताजी। और पिताजी ने क्या बोला? हाँ बेटी, नमस्ते। फिर क्या पूछा होगा? तो इसमें दो बाकी है, क्या क्या बाकी है? हाँ मंजन किया, और बाकी है दांत मंजन किया। मंजन मीन्स ब्रश। तो पिताजी ने पूछा दांत क्या है? टीथ। दांत मंजन किया, ब्रश किया, दांत मंजन किया। तो पिताजी ने क्या पूछा? दांत मंजन किया। लिखो यहाँ। तो मीरा ने क्या कहा? हाँ मंजन किया। मीरा ने तो ब्रश किया है, तो मीरा ने कहा हाँ मंजन किया। तो पहले मीरा ने क्या कहा? नमस्ते पिताजी। तो इधर क्या लिखना है? नमस्ते पिताजी। तो पिताजी ने क्या बोला होगा? हाँ बेटी, नमस्ते। क्या लिखना है इधर? हाँ बेटी, नमस्ते। और फिर पिताजी ने कुछ पूछा, या समथिंग, क्या पूछा? दान मंजन किया। तो ये लिखना है दान मंजन किया, यहाँ लिखना है। तो मीरा ने क्या रिप्लाई दिया? हाँ मंजन किया, हाँ हाँ मैंने ब्रश किया है, तो यहाँ लिखना है, ठीक है? तो बच्चों, आपने ये चित्र देखा, इसमें कौन कौन है? हाँ माँ है और हमारे मीरा। कौन कौन है? माँ और मीरा। तो मीरा के सिर पर क्या है? देखो ना, क्या है ये? है टोपी है। मीरा के सिर पर क्या है? टोपी। तो माँ ने उसे कुछ पूछता है, देखे क्या है? तो माँ ने कहा, मीरा बेटी, मीरा बेटी, कहाँ मिली ये सुंदर टोपी? हर मदर इज आस्किंग, अम्मा पूछती है, मीरा बेटी कहाँ से, फ्रॉम वेयर यू गेट दिस, कहाँ से मिली है ये टोपी? तो मीरा ने कहा, मेले गई, मेले गई, मैंने फस में गया था। कहाँ से? मेले, यानी कि फस, फस में गई, वहाँ मिली ये सुंदर टोपी। कहाँ से मिली है ये सुंदर टोपी मीरा को? कहाँ से? फ्रॉम वेयर? मेले से, यानी कि फेस्ट में जाकर मिला है, ठीक है? तो एक और बार माँ ने क्या पूछती है? मीरा बेटी, मीरा बेटी, कहाँ मिली ये सुंदर टोपी?
मेले गई, मेले गई, वहां मिली ये सुंदर टोपी। तो माँ क्या पूछती है, मीरा बेटी फ्रॉम वेयर यू गेट दिस सुंदर हैट, कहाँ से मिली ये टोपी। तो मीरा ने क्या कहा, मीरा ने कहा माँ आई वेंट फेस्ट, मेले गई, आई वेंट फेस्ट, फेस्ट से खरीदा है ये, कहाँ से, फेस्ट से। तो मीरा को ये सुंदर टोपी कहाँ से मिली, फेस्ट से मिला है, मेले से मिला है, मेले से जाकर खरीदा है, ठीक है। तो ये कौन है, माँ, और ये है मीरा। मीरा के सिर में क्या है, टोपी, टोपी बहुत सुंदर है। तो मीरा की माँ पूछती है, मीरा बेटी कहाँ से मिली है ये टोपी। तो मीरा ने क्या बोला, मुझे मेले से मिली है, मेले गई है, वहां से मिली है, ठीक है। तो यहाँ कुछ लिखना है, इधर देखो, इधर लिखे माला करे, तो हमें क्या करना है, इधर लिखना है, हमें कुछ लिखना है इधर, प्यारे पापा, प्यारे पापा। तो इधर क्या थी, मीरा बेटी, मीरा बेटी, उसके बदले में क्या, इधर प्यारे पापा, प्यारे पापा, प्यारे पापा। तो पापा ये क्या पहना है, कुर्ता, ठीक है, पापा क्या पहना है, कुर्ता। तो इधर देखा ना, कुर्ता, तो हमें कुर्ता सा लेकर इस तरह चार पंक्तियां बनाना है, वी हैव टू मेक ए स्मॉल पोएम यूजिंग कुर्ता। कुर्ता से हमें क्या करना है, एक पोएम लाइक, इसी तरह हमें बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, प्यारे पापा, प्यारे पापा, कहाँ मिली ये सुंदर कुर्ता, क्या लिखना है इधर। तो यहाँ क्या लिखा था, कहाँ मिली ये सुंदर टोपी, मीरा का तो टोपी था, लेकिन पापा का क्या है, कुर्ता है, ठीक है। तो लिखे इधर, कहाँ, मीरा का क्या था, मीरा को तो टोपी था, तो पापा, पापा के लिए क्या है, कुर्ता है। प्यारे पापा, प्यारे पापा, कहाँ मिली ये सुंदर कुर्ता। फिर क्या है, मेले गई, वहां मिली ये सुंदर कुर्ता, हमें सेम इधर लिखना है, टोपी के बदले में क्या है, कुर्ता लिखना है, इतना ही, ठीक है। तो क्या लिखना है, मेले गई वहां मिली ये सुंदर क्या है, टोपी है, नहीं, पापा के लिए क्या लिखना है, कुर्ता, ठीक है। तो एक और बार, ये कुर्ता की कविता है, ओके। प्यारे पापा कहाँ मिली ये सुंदर कुर्ता, मेले गई वहां मिली ये सुंदर कुर्ता। आप क्या करना है, इधर पूरा करना है, ये कविता की पंक्तियां इधर लिखकर आप फिल करना है, ठीक है, समझ में आया ना। तो देखो एक और दिया है इधर, ये भी हमें फिल करना है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा, इधर साड़ी है, साड़ी का मतलब साड़ी, ओके, ये क्या है इधर, साड़ी। तो साड़ी के लिए हमें इस तरह कविता बनाना है, हमने तो क्या किया, पापा के लिए कुर्ता की कविता बनाया भी, और अम्मा के लिए साड़ी का रखकर बनाना है, ठीक है। तो एक साथ बनाएंगे हम, तो इधर प्यारी अम्मा है, तो क्या लिखना है इधर, थोड़ा सा चेंज करना है, पूरा नहीं, थोड़ा सा। तो इधर क्या लिखना है, प्यारी, प्यारी अम्मा, फिर क्या है, प्यारी अम्मा, फिर क्या है, द सेम, कहाँ मिली ये सुंदर कुर्ता, नहीं है, कुर्ता तो पापा की है, तो इधर क्या लिखना है, साड़ी, क्या लिखना है इधर, साड़ी, अम्मा का क्या है, अम्मा साड़ी पहनता, शी इज वेयरिंग साड़ी। तो कहाँ मिली ये सुंदर साड़ी, तो द लाइन इज सेम, मेले गई, मेले गई वहां मिली ये सुंदर, क्या लिखना इधर, कुर्ता है, नहीं, क्या लिखना इधर, साड़ी। आप इस तरह अपना वर्क पूरा कीजिए, ठीक है, इस तरह आप लिखिए और पूरा करो। देखो ना बच्चे, इधर तो दो शब्द मैंने लिखा है, तो इसमें कुछ विशेषता है, नहीं है, विशेषता है, देखो ना, ये प्यारी है, दो लेटर्स
टुगेदर। ओके देखो कैसे प प्लस या, कैसे आते हैं प्या। ओके तो इस अक्षर को हम क्या बोलता है, संयुक्ताक्षर। क्या बोलता है, संयुक्ताक्षर। तो ये वाले अक्षर को हम क्या बोलता है, संयुक्ताक्षर। तो ये क्या है, प्यारी। तो इसमें क्या है, ये संयुक्ताक्षर है। तो इसमें कौन सा है, माँ। माँ तो दो अक्षरों का मेल है, माँ प्लस माँ क्या है, माँ। ओके और फिर कुछ शब्द हमने पढ़ा है यादव को, नमस्ते। नमस्ते में क्या था, इधर सा और ता का मेल है, नमस्ते। इसमें क्या आता है, सा और था, तो एक साथ क्या है, ता। ओके तो इस तरह के शब्दों को हम क्या बोलता है, संयुक्ताक्षर शब्द। और इसी अक्षरों को हम क्या बोलता है, संयुक्ताक्षर। ओके इसको क्या बोलता है, संयुक्ताक्षर। ये अक्षर है तो ये क्या है, संयुक्ताक्षर शब्द है, वर्ड है। ठीक है तो ये क्या है, संयुक्ताक्षर। और तो ये कैसे बनाया है, प प्लस या प्या, कैसे, ये दो अक्षरों का मेल है। ओके तो इसमें मा प्लस मा, मा। इधर सा प्लस ता, स्ता। तो इसको क्या बोलता है, संयुक्ताक्षर। और ये क्या है, संयुक्ताक्षर शब्द। ठीक है तो आपको आज का क्लास समझ में आ गया। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, आशा है आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।